नमस्कार दोस्तों, अनमोल प्रेगनेंसी के सफ़र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा आज एक बहुत कॉमन टॉपिक का डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस या बच्चेदानी में रसौली या गांठ। चार महिलाएं आपस में बात कर रही होंगी तो उन चार में किसी एक महिला को ये प्रॉब्लम फाइब्रॉइड की या रसौली की होगी। ये प्रॉब्लम इंडिया, एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक देखी जाती है। लगभग 40-50% इंडियन वुमेन के अल्ट्रासाउंड में छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स निकल जाते हैं। अब ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लेके इतने सारी गलत धारणाएं हैं कि कई बार डॉक्टर अपने पेशेंट को समझा समझा के परेशान ही हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर्स से पूछा जाता है, अरे मैम ये मुझे कैसे हो गया, ये हुआ कैसे और ये है क्या चीज़। फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर है, या तो बोला जाए हमारे शरीर के ऊपर का एक मस्सा है जो बच्चेदानी के अंदर हो गया, एक गांठ है जो बच्चेदानी के अंदर हो गई। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ग्रोथ होती है बच्चेदानी की ही। इसका जो खाना पीना है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से होता है, इसलिए प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये देखा जाता है। फाइब्रॉइड होता कैसे है, इसके लिए कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है। एक तरह की जेनेटिक टेंडेंसी है, देखा गया है अगर किसी की मम्मी को फाइब्रॉइड था तो बिटिया को भी होने का चांस होता है। और फाइब्रॉइड्स का मतलब खाने पीने से या आपकी लाइफस्टाइल से कोई लेना देना या किसी भी दवाई से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन है, ये कैंसर तो नहीं है। दोस्तों, फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते हैं। लेस देन 1% चांस है कि फाइब्रॉइड कैंसर में कन्वर्ट हों, जिससे हम बोलते हैं यूट्रिन सार्कोमा, वो काफ़ी कम है। अब उसका पता हमें इनिशियली ही अल्ट्रासाउंड में चल जाता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या मैं फाइब्रॉइड्स या रसौली के साथ माँ बन भी पाऊंगी? आप बिल्कुल बन पाओगे, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। फाइब्रॉइड्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सब सिरोजल, जैसे कि मान लो हमारे सिर के ऊपर की टोपी, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो वाला फाइब्रॉइड टेंशन फ्री हो जाओ। एक होता है इंट्राम्यूरल, हमारी मस्कुलर लेयर के अंदर। अब इस फाइब्रॉइड की लोकेशन और साइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी लोकेशन हमारी बच्चेदानी की जो अंदर की झिल्ली है एंडोमेट्रियम, उसको डिस्टर्ब कर रही है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। और अगर इसका साइज 4 सेंटीमीटर के ऊपर है तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कई बार नहीं भी निकालने की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ आराम से प्रेगनेंसी आ जाती है। एक थर्ड होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, मतलब बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली में फाइब्रॉइड। इस फाइब्रॉइड को सर्जरी के द्वारा, दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ जाता है। तो फाइब्रॉइड्स की लोकेशन और उसके साइज पर डिपेंड करता है कि हम कैसा इलाज करें। इसके अलावा कई बार फाइब्रॉइड्स, ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम नहीं देते, पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता। अचानक से अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि भाई फाइब्रॉइड है, अल्ट्रासाउंड में भी किसी और वजह से किया गया हो। और कई बार पेशेंट्स को काफ़ी ब्लीडिंग होती है, महीने में 2 से 3 बार ब्लीडिंग होती है। जब मेंसेस आते हैं तो हैवी मेंसेस होते हैं, काफ़ी पेन होता है और कई बार आपस में संबंध करने में भी पेन होता है। ऐसे सिचुएशन में फाइब्रॉइड निकालना सर्जरी के द्वारा, दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा ज़रूरी हो जाता है। तो डिपेंड करता है एक महिला को फाइब्रॉइड्स परेशान कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है तो चुपचाप बैठिए, अगर वो परेशान कर रहा है तो आपका डॉक्टर उसका उपयुक्त इलाज कर देगा। अब आता है चौथा क्वेश्चन, क्या कोई दवाई नहीं है कि फाइब्रॉइड में गायब कर दे, घुला दे? सच बताऊं, ऐसी कोई खास दवाई है नहीं। कुछ दवाइयाँ थी जो US में आई थी, जो इंडिया मार्केट में भी आई थी, यूरिलिप स्टार्ट एस्टेडेट जैसी दवाइयाँ, लेकिन उन दवाइयों को अभी FDA अप्रूव नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। फाइबर्स झट से गायब नहीं होते दवाइयों से।
फाइब्रॉइड्स का जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, दूरबीन का ऑपरेशन है जिससे हम उसको निकाल पाते हैं। और हाँ, एक और बात है, अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, मतलब आपका अभी मेंसेस बंद नहीं हुआ है, तो इसके चांसेस हैं कि कोई छोटा मोटा फाइब्रॉइड वापस ग्रो कर जाए और आपको वो ऑपरेशन की आवश्यकता 1 से 2 बार भी करनी पड़ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम से आए हो, उसके उपयुक्त इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, फाइब्रॉइड्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडियन वुमेन को है, और फाइब्रॉइड्स का बहुत सूटेबल सॉल्यूशन भी है। सूटेबल सॉल्यूशन में दवाइयाँ कुछ हद तक हेल्प करती हैं, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम मेडिसिन से उन ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साइज बड़ा है फाइब्रॉइड का, या उसकी लोकेशन गड़बड़ है, या आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई दवाई से, तो दूरबीन के ऑपरेशन से फाइब्रॉइड निकालने से पेशेंट को यकीन मानिए काफ़ी हद तक आराम आता है। सपोज आपकी प्रेगनेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी फर्टिलिटी कंप्लीट है, आपके फैमिली में बच्चे हैं, तो एक यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नाम की टेक्निक है जिसमें हम एक जेल नाम का सब्सटेंस बच्चेदानी की जो यूट्रिन आर्टरी होती है उसमें डाल देते हैं। उसके लिए हमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सब इन सब चीज़ों में फेल हो जाए, बिल्कुल नहीं ठीक हो पाए, तो फिर हमें बच्चेदानी को निकालने का ऑप्शन सोचना पड़ता है, बट वो लास्ट रिसॉर्ट है। फाइब्रॉइड्स के लिए हमेशा बच्चेदानी निकालना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम से घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, और इसके ऑप्शंस को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है और उपयुक्त इलाज करवाना है। प्लीज दोस्तों, फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते। नमस्कार।